हम यूको बैंक में मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो अगर आप यूको बैंक के कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर यूको एम बैंकिंग प्लस मोबाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं हम कर लिए, अब चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको परमिशन को अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे लोकेशन की परमिशन यहाँ पे अलाउ कर देनी है। तो चलिए हम करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप हम नीचे की ओर बाईं तरफ देखेंगे तो आपको खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रजिस्टर फॉर एम बैंकिंग, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आपके अकाउंट में कम से कम 500 रुपये यहाँ पे मिनिमम मेंटेन होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे होगी क्लिक हियर टू प्रोसीड, और उसके साइड में एक लाल बॉक्स के अंदर एरो दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे एक परमिशन कहेगा, जो बैकग्राउंड में ऐप में चलने वाली परमिशन होती हैं, तो आपको उसमें ओके करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ परमिशन जो अलाउ दिखाई दे रही है तो आप उसको अलाउ कर देंगे। तो सारी परमिशन अलाउ होने के बाद हर जगह यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई देगा, तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ एरो दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक करके वापस बैक चले जाना है। फिर उसी पेज पे आ जाएंगे तो आपको दोबारा से क्लिक हियर टू प्रोसीड में जो एरो दिखाई दे रहा है लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप एरो पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने मैसेज वाले ऐप पे आ जाएंगे, तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है तो आपको इसको सीधे सेंड कर देना है। चलिए कर देते हैं, देख सकते हैं सफलतापूर्वक हमने मैसेज को सेंड कर दिया है। तो इसके बाद आपको वापस अपने ऐप में चले जाना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो आपने बैंक में यहाँ पे रजिस्टर करा रखा है, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पे अंकित करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी खाता संख्या अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई दे रहा होगा डेबिट का और दूसरा दिखाई दे रहा है क्रेडिट का। तो अगर आप डेबिट कार्ड विकल्प चुनते हैं तो आपको यहाँ पे पिछले 5 ट्रांजेक्शन में से किसी एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे अंकित कर देना है। अगर आप यहाँ क्रेडिट वाला चुनते हैं तो अगर आपके खाते में जो भी पैसा क्रेडिट हुआ है तो आपको उनमें पिछले ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे अंकित करके ओके वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी को यहाँ पे चुन लेना है और आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है डेबिट कार्ड नंबर आपको अपना अंकित कर देना है, 16 अंकों का होता है। फिर उसके बाद आपको डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होती है वो आपको अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कार्ड पिन, तो आपको जो 4 अंकों का यहाँ पे कार्ड पिन होता है डेबिट कार्ड, वो आपको अंकित करके नीचे दिखाई दे रहा है कुर्सी वाली बटन, तो आपको उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे एक पॉप अप विंडो खुल के आएगी तो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपसे अब सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेट करने होंगे, तो आपको यहाँ पे सेट करने के लिए ओके वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक नोट दिखाई दे रहा होगा लाल रंग से, तो आप वहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आपको इतने सारे प्रश्नों में खाली सिर्फ 5 प्रश्नों को यहाँ पे उत्तर अंकित करके नीचे आपको दिखाई दे रही प्रोसीड वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हम अगले पेज पे आ जाएंगे तब आपको यहाँ पे अपना एम पिन सेट करना है और टी पिन सेट करना है। तो मैं बता देता हूँ, एम पिन वो पिन होता है जो आपका ऐप का पिन होता है, और टी पिन वो वाला पिन होता है जो हम जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन पिन, जिसका इस्तेमाल हम एक खाते से दूसरे खाते में जब पैसा ट्रांसफर करते हैं या स्थानांतरित करते हैं तब हम टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम यहाँ पे अपने एम पिन को यहाँ अंकित करके और टी पिन को अंकित करके प्रोसीड बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप नीचे की ओर पॉप अप विंडो में देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है जो हमारा एम पिन है यहाँ पे सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया है और जो हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आपको आप ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप सीधे अपने होम पेज पे आ जाएंगे तो जैसे आप नीचे और देखेंगे आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, तो जो मैंने ब्लैक रंग से यहाँ पे हाइड कर रखा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है लॉगिन वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। सन पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको अपने ऐप का जो 4 अंकों का एम पिन अभी हमने बनाया है कुछ क्षणों पहले, तो आपको वो यहाँ पे अंकित करके ओके वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक हमने यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन भी यहाँ सफलतापूर्वक हो चुका है। तो अगर आपका बैंक खाता अगर यूको बैंक में है तो आप भी अपने यूको बैंक ऐप के माध्यम से इसमें मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे, और उसके बाद अपनी बैंकिंग सुविधाओं का यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।